Maybe you know, you are looking like a sunflower in this. अरे तैयार हो गए तुम लोग? जी माँ। रमन गाड़ी संभल के चलाना। ठीक है माँ। स्वाति बेटा ये इतना तेज परफ्यूम लगाया तुमने? रात हो रही है और तुम लोग को सुनसान रास्ते से जाना है और रात के समय इतना परफ्यूम लगा के नहीं निकलते बाहर? प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। माँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बात है। लेकिन बेटा अरे मेरी प्यारी माँ अभी आपने कहा ना कि गाड़ी ध्यान से चलाना, तो ध्यान से जाने के लिए हमें समय से निकलना जरूरी है, और अगर अभी ये चेंज करने गई ना तो हम टाइम से तो नहीं निकल सकते, तो बुरी आत्माओं का तो पता नहीं लेकिन एक्सीडेंट का खतरा जरूर है। कुछ भी बोलता है लड़का, बाहर निकलने से पहले ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। हे भगवान, एक और अंधविश्वास। अब तुम लोग संभल कर जाओ और जाकर कॉल करना मत भूलना, समझे? माँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब अपना ख्याल रखना। ओके माँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। स्वाति, स्वाति मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। रमन यार प्लीज स्टॉप इट, तुम पता है मैं इतना डर जाती हूँ। मजाक कर रहा था, सॉरी। तो नहीं है अंदर, कौन सी लड़की? ऐसे कैसा हो सकता है रमन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रमन कहीं ऐसा तो नहीं ये सब परफ्यूम की खुशबू की वजह से हो रहा है? स्वाति ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ये सब अंधविश्वास है, चलो। कुछ नहीं है अंदर, बैठो। स्वाति तुम चलो, मैं गाड़ी पक करके आता हूँ। क्या हुआ स्वाति, तुम अभी तक डरी हुई हो? पता नहीं रमन, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। स्वाति ये बस तुम्हारा वहम है, अब चलो अंदर सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। नॉर्मल तो है, कुछ नॉर्मल नहीं है, सब गलत है, या फिर जो भी कुछ हो रहा है ना कुछ सही नहीं हो रहा है। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में, पहले बाथटब में खून, फिर फ्रिज में लाश, या कुछ हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, समझा? बकवास मत कर।
ये लाइट को क्या हो गया? वेट, कुछ नहीं हुआ, ये लाइन का प्रॉब्लम है, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ चल, मैं भी आता हूँ, चल। तुम्हें बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं, अभी रुक जा। तुमने मुझे छोड़ा था तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं? यही कमरा था ना, वो याद है? 8 साल से इंतजार कर रही हूं इस पल का, अब तुम नहीं बचोगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। सच में गलती हो गई थी यार। सॉरी यार रमन। अबे क्या सॉरी यार, तुम्हें लगता है सॉरी इसकी जिंदगी ठीक कर देगा? हाँ देख रमन, हमें गलती तो हुई है यार, उसे होश में आने दे, हम माफी मांग लेंगे उससे। इनफैक्ट हम सब माफी मांगेंगे इससे। देख रमन मेरी बात सुन, मैं इसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है यार? अनजाने में हुआ, नशे में हुआ यार, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया यार। मैं गलती देता हूँ, इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं, और वो वक्त में भूल जाएगी, सच कह रहा हूँ। Really? तुम्हें लगता है वक्त के साथ उसे भूल जाएगी? हाँ, तुम्हारी माफी उसकी जिंदगी ठीक कर देगी, जो सब हुआ है वो बदल देगी। तो क्या कह रहे, सब बदल जाएगा यार, माना मुझसे गलती हो गई है, अनजाने में सब कुछ हुआ है, अब क्या करूं, जान दे दो अपने क्या। हाँ दे दो, जोड़ कर तूने किए ना उसकी उसकी सजा यही है। अब डूब मरो जाके यार, तुम तीनों डूब मरो। और फिर जो हुआ वो किसने सोचा नहीं था। ऐसा क्या हुआ रमन, बताओ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।